बड़े अहसन अंदाज में क़िबला साहिबज़ादा सैयद शाह हुसैन बुखारी रावी साहब अपने तिलावत कलाम मजीद और फिर महबूब अलैहिस्सलाम के अजीम सनाखाने के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुनकर और मोहब्बत में और शौक में सरकार ने इस्लाम और सलाम की ज़ात पर दूर सलाम पढ़ने वाला बना सब का दे सुभान अल्लाह थी जिसके मुकद्दर में गदाई के थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर रोया न बहुत उस शख्स के कदमों से लिपटकर रोया न बहुत उस शख्स के कदमों से लिपटकर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर यहाँ पर बनता था सुभान अल्लाह क्या ना अगर सब कह देते तो कोई हाल नहीं थी बल्कि चलते नेकियां मिल जाती और साथ है जन्नत में एक तरफ लग जाता जिसका साया 1000 साल तक अर्थी घोड़ा तोड़ता रहे तो फिर भी उसका साया खत्म ना होने पर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने की वजह से और आता के यहाँ तक मिलता है जो बंदा सुभान कहता है अल्लाह फरिश्तों में नाज करता है फरिश्तों देखो तुम कहते थे कि वाला इंसानों को न बना इन्हें पैदा न कर देखो कि जमीन पर बैठ कर बड़े पाक कहने आसमान वाले फरिश्ते उन बंदों पर नाज करते हैं कि मौला तेरे बनाई हुई मखलूक तेरा ही नाम थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की रोया न बहुत उस शख्स के कदमों से लिपटकर जिसने कोई बात सुनाई तेरे दर की आया है नसीब आज तमन्ना आया है नसीर आज तमन्ना यही लेकर के पलकों से किए जाए सफाई के पलकों से किए जाए सफाई के अब आप अहबाब के सामने नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी महफ़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पर जो तस्वीर है वो हमारा भांजा हाफिज मोहम्मद मुबीन भी उन्होंने शुरू में तिलावत और नात पढ़ी अब फिर वो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो आपने उनके आने से पहले नारे से इस्तक़बाल करना है ताकि बच्चे का दिल और बढ़ जाए है ना आंदा आने वाले महफिलों में भी उसका दिल बने कि मैं सरकार की सलाम और सलाम की सना खानी करके ले जाऊँ तो मैं नारे तकबीर